राम राम। जो लोग भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारा पड़ोसी बहुत पढ़ रहा है लेकिन तुम उतना नहीं पढ़ पा रहे हो, तुम्हें ये लग रहा है कि वो 6 साल से तैयारी कर रहा है, तुम्हें अभी 6 महीने हुए हैं, तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है जितने उसके पास है, तो हम क्या करें? देखो, ये वीडियो तुम सबके लिए है जिनके पास बजट की दिक्कत है, जिनके पास टाइम की प्रॉब्लम है कि उनके पास टाइम कम है ज़्यादा चीज़ अचीव करनी, बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत लोगों की लाइफ में है, वो हमें नहीं घुसेंगे उसमें। सबसे पहली बात ये हमें समझनी होती है, हमें हमेशा एक मोटिवेशन वाली लाइन है जो कि हमेशा बोली जाती है, जो कि हम नहीं दोहराएंगे लेकिन फिर भी सुन लो, कि जितना है उससे काम चलाओ, ठीक है? रिसोर्सेज जितने हैं उससे जो कर सकते हो वो करो। ये बात बिल्कुल सच भी है कि पढ़ाई अगर कर रहे हो तो तुम अपनी क्षमता की जितनी पढ़ाई हो सकती है उतनी करो। देखो, कोई 12 घंटे बैठ के पढ़ाई कर सकता है, किसी को 6 घंटे में भी काम हो जाता है, तो हर एक इंसान सेम नहीं बना है, ठीक है? हर एक के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें हैं और कुछ ना कुछ कमी है। हम ये नहीं बताएंगे किसी के अंदर बहुत अच्छा है, हम कमी की बात करेंगे, सबके अंदर कुछ ना कुछ या फिर बहुत कमियाँ हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तुम, तो जब एक बार एग्जाम की तैयारी के लिए बैठे हो तो थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो ना, अपनी क्षमता के ऊपर काम करो, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करो। अब होता क्या है, हम लोग के साथ दिक्कत यह है क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, नकल करने की अपनी पुरानी आदत है क्योंकि बचपन से सीखी है वो हमने, ठीक है? तो हमें करना क्या होता है, हमें करना ये होता है कि दूसरों को देख के अपनी प्लानिंग नहीं करनी होती है। अब होता क्या है कि तुम लोग किसी और का टाइम टेबल डाउनलोड करते हो और देखते हो कि उन्होंने इतने इतने घंटे ये किया, सेम हम ऐसे फॉलो करके सिलेक्शन ले लेंगे, कभी नहीं होगा, भूल जाओ, राम राम, ठीक है? करना क्या है तुम्हें, अपनी क्षमता के हिसाब से बनानी चीजें, जितना तुमसे हो सकता है वो करो। अब उस क्षमता को तुम बढ़ा सकते हो, वो जो तो पढ़ाई की क्षमता है, जो स्ट्रेंथ है उसको तुम बढ़ा सकते हो डे बाई डे, लेकिन किसी और की जो स्ट्रेंथ है, किसी और का जो तजुर्बा है, ये जो भी चीज़ें हैं, अगर उसको लेके तुम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बाकी सारी चीज़ों में भी डिस्टर्ब रहोगे और जीवन भर डिस्टर्ब रहोगे। इसलिए कभी भी जब एग्ज़ाम की तैयारी करो तो कोशिश हमेशा ये तुम्हारी होनी चाहिए कि तुम जो प्लान बनाओ वो तुम्हारी स्ट्रेंथ का हो, जो तुम्हारी ताकत का प्लान हो, ये नहीं कि किसी और का छाप रहे हो। क्योंकि अगर तुम अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से काम नहीं करोगे ना, तो यकीन मानो दूसरे की स्ट्रेंथ से काम करोगे तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसके बाद ढेर हो जाओगे। लेकिन जब तुम्हें ये पता होगा कि तुम यार 5 ही घंटे बैठ पाते हो, तो तुम 5 घंटे में सारे सब्जेक्ट को लेकर ऐसा प्लान बनाओ कि वो तुम सस्टेन कर पाओ, फिर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। ये नहीं कि तुम 5 से सीधे 15 में पहुंचाओगे, नहीं, अब तुम 5 घंटे पढ़ने लगे हो, तुम्हें लग रहा है 1 महीना हो गया है, आधे घंटे बढ़ा दो, 30 मिनट 40 मिनट बढ़ा दो, 50 मिनट बढ़ा दो। स्ट्रेंथ पे काम अपनी करना है, ना कि दूसरे की स्ट्रेंथ पे खुद को खड़ा करना है। यही मेरा मोटिवेशन है आज का, और ये तुम्हारे बहुत काम आने वाली है कि दूसरे का कुछ भी, इसीलिए हम देखो हमेशा कहते हैं ना, तो दूसरे का कोई शेड्यूल कॉपी करो, ना दूसरे का कोई टाइम टेबल कॉपी करो, ना दूसरे के नोट्स छापो, कुछ दूसरे का कुछ कॉपी करना नहीं है अपन को। अपने को करना क्या है, अपने को करना सिर्फ वो है जो हम कर सकते हैं, जो अपने पास चीज़ें जो उनसे कर सकते हैं। अब दूसरा बंदा 1-1.5 लाख रुपए का पेड अगर प्लान लिए है तैयारी करने के लिए, तुम्हारे पास नहीं है, सब कुछ करते हुए भी तुम नहीं कर पाए, तो जिस भी टीचर से तुम पढ़ रहे हो उसी से कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेने की। कहने का मतलब यह है कि अपनी सोच को बढ़ाना पड़ेगा अगर तैयारी करनी है, कि अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना पड़ेगा। दूसरों को देख के दुखी होगे, जी नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में। राम राम, जय हिंद।